तरीके का माहौल चल रहा है, थोड़े दिन बचे हैं चुनाव में, किस तरीके की? तो चुनाव में बिल्कुल परवान पर है चुनाव, लगभग लोग ये तय कर चुके ही होंगे कि वो किस तरह वोट डालेंगे, और अब तो मैनेजमेंट का चुनाव है और कार्डर पर सारा दारोमदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जननायक जनता पार्टी डवाली एवं उचाणा एवं जो जो मजबूत सीटें हैं इन पर तो बड़ी लीड से आगे बढ़ रही हैं, और हम पिछली बार का जो रिकॉर्ड है उसको पार करें। चुनाव की घोषणा से पहले ही आप लंबे समय से इलाके में भी चल रही है, उस समय और कब की क्या स्थिति? उस समय का ही नतीजा है कि आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मगर अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। मुझे कोई कह रहा था कि आपके चैलेंजेस क्या है, मैंने कहा चैलेंजेस यही है कि सुबह उठो और रात तक जब तक जाग सको मेहनत मेहनत और मेहनत। हम अपनी मेहनत लगन अपने प्रयास में कामयाब होंगे। हमारे कार्यकर्ता ने जो दृढ़ संकल्प लेकर के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। अब मुझे उम्मीद है कि वो अपने वोटर को बूथ तक ले जाने में कामयाब होगा और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 2 तारीख को बड़ी रैली है जो रणजीत सिंह जी की और हमारी कंबाइंड रैली होगी, जिसमें लगभग 50,000 आदमियों को रैली तक लाने का अनुमान है। वो रैली स्टेट लेवल की रैली होगी और ओडा के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शाम की रैली है 3 बजे की, आप सब भी आमंत्रित। आदित्य चौटाला ने एक चैनल में कहा है कि अभी से रैली की बच्चे देखने तो आ सकते हैं, बाद में लोगों को क्या मिलेगा? ऐसा है, जब कम समय में ज्यादा इलाका पूरा करना हो तो आदित्य के जो लीडर अभय सिंह चौटाला है वो भी हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं, वो कोई रेड़ा गाड़ी में नहीं घूम रहे। आदित्य जी को समझ नहीं है, उनको ये ही नहीं पता भाई जो तू बोल रहा है वो तेरे पे भी अप्लाई होता है। अगर अभय सिंह चौटाला अपने हेलीकॉप्टर के अंदर आदित्य को घुमा के रैली में बिठा के ले जाएं तो क्या उनकी बात झूठ हो जाएगी क्या? सोचने से मतलब बोलने से पहले सोचते ही नहीं, इतने इमेच्योर हैं, इतनी राजनीतिक सिर्फ चेहरा और बातें करने से नहीं होता, थोड़ा यहाँ भी होना चाहिए। वो खाका खाली है। और दूसरा जो केवी सिंह जी है उनको भी मैं सलाह दूंगा, वो कह रहे हैं बी टीम है, ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अरे तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और केवी सिंह और अमित सिंह कोई चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या? अगर हम बी टीम है तो फिर जींद बाई इलेक्शन के अंदर मेरे को 38,000 वोट पड़ी थी, बीजेपी को 42,000 वोट पड़ी थी, वो जीते थे, और कांग्रेस के सुरजेवाला जो मेरे बाद उम्मीदवारी में आए थे उनको 21,000 वोट पड़ी थी। अगर मैं ये मानूं कि कांग्रेस बी टीम थी क्योंकि उन्होंने मेरा वोट काटा और मैं इस बात का रोना लगा करके रोता रहूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। केवी सिंह जी को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आप इतने इमेच्योर जब बात करते हैं, लड़ाई लड़नी है मैदान में लड़ो, यहाँ तोप तलवार थोड़ी चलनी है, यहाँ तो लोगों का दिल जीतना है और वो हमने जीत के दिखाया है। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए और कहाँ चले जाएंगे ये लोगों ने तय कर लिया। हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतने डवाली क्षेत्र में। क्या जी? नहीं, ये कभी भी पहले नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार आप लोग कह रहे थे जेजेपी की 1 आएगी 2 आएगी, अब देखो जनता ने आपकी बात को झुटला दिया, तो मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि जनता जो है वो किसी के अहंकार को तोड़ती है। तो जो ये कहता है ना मेरी 75 पार आएंगी, उनकी 40 आई थी, अब वो कह रहे हैं हमारी 63 आएगी, तो मैं अगर उसका अनुमान लगाऊं तो 75 पार पर 40 आई थी, मैथमेटिकल उससे 63 में कितनी आनी चाहिए? अमित शाह जी कह के गए 63 सीट आएंगी, तो 63 जब 75 में 40 आई तो 63 में कितनी आनी चाहिए? लोग अहंकार को नहीं सहते, लोग अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। हम डवाली की सीट जीतेंगे, 1 वोट से जीतें या 1 लाख से जीतें ये जनता ने तय किया, मगर हम चुनाव जीतेंगे। हम चुनाव जीतने की ओर दिन प्रतिदिन बड़ी गति से बड़ी तीव्रता से अग्रसर है। लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह हमारे साथ। मुकाबले में जनता ने तय करना है कौन होगा कौन नहीं। आईसी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, उन्हों का बड़ा पुराना इतने हलका रहे हैं, उन्हों का असर है, प्रभाव है, उन्होंने वर्कर है, वो सारे वर्कर जो पुराने से सारे लगभग जुड़ गए, कुछ इक्का दुक्का परिवार इधर उधर नहीं, वो भी सारे जेजेपी नाल इत्थे सपोर्ट करनगे। ते असी जेजेपी दा इक इक वर्कर राणीए हलके विच जो रणजीत सिंह जी दा समर्थक बन करके उन्हां दा झंडा चुकूगा, ते मजबूती नाल उन्हां जिताण दा कम करांगे।